मेरे वाले सारे ने जाए, मेरे वाले सारे ने जाए मसीही, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा पिता परमेश्वर तेरा शुक्र कर दे यीशु जी, तेरी ही तारीफ कर दे खुदावन खुदा। तुसी आद हो रन तू यीशु जी, तुसी अल्फा ते ओमेगा हो खुदावन खुदा, तुसी राजा के राजा हो यीशु जी, तुसी बादशाह के बादशाह खुदावन खुदा। तेरा शुक्र कर दे यीशु जी, तेरी ही तारीफ कर दे खुदावन खुदा, दे समय वास्ते खुदावन खुदा तेरा शुक्र कर दे खुदावन खुदा। तू सानू सारे नु खुदावन खुदा हुण तक संभाल के रखे मेरे प्यारे पिता, मैं तेरा शुक्र कर दी हूँ खुदावन खुदा। और खुदावन खुदा अज जेड़ा भी बीज खुदावन खुदा, अज भलाई दा बीज खुदावन खुदा जो बीजा जावे साड़ियां जिंदगियां दे विच खुदावन खुदा, 100 गुणा फल लेके आवे मेरे प्यारे पिता। खुदावन खुदा तू अपने पाक पवित्र फलां दे नाल सानू खुदावन खुदा, तू रूहानी फलां दे नाल मेरे प्यारे पिता तू सानू भर खुदावन खुदा, रूहानी फलां रूहानी नेमता दे नाल मेरे प्यारे पिता हर एक नू खुदावन खुदा भर। और साडे विच खुदावन खुदा ना पाकी मेरे प्यारे पिता, गंदगी खुदावन खुदा दूर हो जावे यीशु जी। और तेरा शुक्र कर दे खुदावन खुदा इस मीटिंग दे होल नू मेरे प्यारे पिता, खुदावन खुदा तुहाड़े हत्थां दे विच दे रहे ने, तुहाड़ी हजूरी नू तुहाड़ी उपस्थिति नू इस जगह ते मांग रहे ने खुदावन खुदा। तुसी इस मीटिंग नू लीड करो, तुसी इस मीटिंग नू खुदावन खुदा गाइड करो, और खुदावन खुदा किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना आवे इस मीटिंग दे विच खुदावन खुदा, कोई इंटरनेट कनैक्शन की प्रॉब्लम ना आवे खुदावन खुदा। इस मीटिंग के पूरे होल नू मेरे प्यारे पिता तेरे पाक पवित्र हत्थां दे विच दे रहे हैं खुदावन खुदा, तेरे प्यारे तेरे खुदावन खुदा तेरे प्यारे पाक पवित्र नाम दे विच मांग लैंदे ते पा लैंदे आ। आमीन। हुण असीं ओपनिंग प्रेयर असीं सारा दे नाल मिलके करांगे जी। ठीक है बाप, बेटा उसके नाम नाम से आमीन। बख्शर करते अपने मौका दिया, हम आपके में हाजिर होकर पाक काम करने लगे हैं, आपकी कोशिश करने लगे हैं। इस वक्त की इंतजार खुदा करते हैं, आप इस पूरी पेमेंट का हॉल हम आपके हाथ में लेते हैं। किसी भी इंटरप्शन से आप दूर रखिएगा, जो भी पाकलम पड़े हैं हमारी बात से बरकत हो, आप जितनी प्रोसेस करें आपको पसंद है, जितनी दुआ चेक करें आप, आपके हजूर बुखुर के पास चेक कर जाओ, मुझे सुन लें आप। पेमेंट में किसी भी इंटरप्शन है, हम सबको हाथ हम सबको और सेहत और तंदुरुस्त रख दीजिएगा, आप सबको हाथ हम सबको सेहत रख दीजिएगा, मुझे छोटे दोस्त ने कबूल कीजिए इस मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सारा, खुदावंत तुहानू बरकत देवे। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। सो तुसी परमेश्वर दे चुनिया होया वांगू जिहड़े पवित्र अते प्यारे हन, रहम दिली दयालगी अधीनगी नरमाई अते धीरज नू पहन लो। हालेलुया। कि परमेश्वर ने क्या खुदावन ने जो हुण सानू चुन लिया है ना, ते जिहड़ा साडा परमेश्वर से सानू कि अपने खुदावन दे मुताबिक किया बनना है ना। साडा परमेश्वर की है रहम दिली है ना, तरस नाल भरिया होया है ना, वह दया करन वाला परमेश्वर है ना, मतलब नरम आ हलीम परमेश्वर है साडा है ना, उहदे कोल की है सबर आ। ते इसी लई खुदावन कहिंदा कि जिस तरह तुहानू मैं सुनिया, जिस तरह परमेश्वर ने सानू चुनिया, ते सानू फिर अपने खुदावन पिता वांगू बनना चाहिदा है ना। साडे जिहड़े दिलां दे अंदर तरस होना चाहिदा, रहम होना चाहिदा है ना, मतलब कि असीं दूसरे प्रति ना भलाई कर सकीए, दया कर सकीए, नरम होइए है ना। ते जिहड़े साडे ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ, ਮਤਲਬ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪਹਿਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਾਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮ ਜ਼ਬੂਰ 122 ਗਾਣਾ ਲਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, yeah।
ਅਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਾਰਾ ਇਨ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਜੋਨਾ ਦੀ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 17 ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ ਪਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਵੇਖੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਦੇਈਏ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਰ ਨੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ Praise the Lord. Oh, God.
आमीन गॉड ब्लेस यू खुदावंता नूं बरकत देवे मेरा सिस्टर नूं दी पूरी फैमिली नूं ते खुदावंता नूं बहुत आयत दे नाल होर भी ज्यादा इस्तेमाल करे प्रेज दी लॉर्ड गॉड ब्लेस यू टू ऑल मैं को वर्स पढ़ूंगी जेड़े दीना नूं दान करदा है उन्हूं कोई थोड़ ना होवे कि पर जो उन्हां वलों कोई अखियां मोड़ लैंदा है उस उत्ते बाहले सराप होणगे हालेलुया ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਸ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਨਾ ਦਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਹਨਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਸ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਆ ਉਹ ਰਹੀਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੋਝ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਹਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆਉਣਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਹਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਕੀ ਆ ਭਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਚ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਰਸ ਇੱਕ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਰ ਸਮਰੀਨ ਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਸਿਸਟਰ ਅੰਜਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਗੀ ਨੌ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾਇਮ ਯਹੋਵਾ ਯਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਖਤ ਤੇਰਾ ਦਾਇਮ ਯਹੋਵਾ ਯਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਖਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਵਾਸ ਤੇਨੇ ਆਦੀ ਤਖਤ ਨਾ ਹੈ ਵਿਛਾਇਆ ਤੂੰ ਵਾਸ ਤੇਨੇ ਆਦੀ ਤਖਤ ਨਾ ਹੈ ਵਿਛਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਸੱਚਿਆਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚਿਆਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ
कौमा दे फैसले सब सचे आई नाले होंदे कौमा दे फैसले सब दाएं यहोवा यारब कायम है तख्त तेरा तू वास्ते ने आदे तख्त अपना है बिछाया दुखे आरे आलई है मोहकम मकान यहोवा दुखे आरे आलई है मोहकम मकान यहोवा मोहकम मकान यहोवा ओ नाद दुख दे वेले ओ नाद दुख दे वेले है ओ ना दीपनागा ओ नाद दुख दे वेले है ओ ना दीपनागा दाएं यहोवा यारब कायम है तख्त तेरा आसो ना दी है तूए जप दे जो नाम तेरा आसो ना दी है तूए जप दे जो नाम तेरा जप दे जो नाम तेरा जो ढूंढ देने तेनो जो ढूंढ देने तेनो ओ ना नु छड़ ना देना जो ढूंढ देने तेनो ओ ना नु छड़ ना देना दाएं यहोवा यारब कायम है तख्त तेरा सयोन विच यहोवा तारीफ ओ दिगाओ सयोन विच यहोवा तारीफ ओ दिगाओ तारीफ ओ दिगाओ सब कम अजर्ज ओ दे सब कम अजर्ज ओ दे कौमा नु जा सुनाओ सब कम अजर्ज ओ दे कौमा नु जा सुनाओ दाएं यहोवा यारब कायम है तख्त तेरा पुछ कर दा खून भी जद ओ नानु याद कर दा पुछ कर दा खून दी जद ओ नानु याद कर दा ओ नानु याद कर दा फरियाद आज सादी फरियाद आज सादी हरगिज़ नहीं ओ भूलदा फरियाद आज सादी हरगिज़ नहीं ओ भूलदा दाएं यहोवा यारब कायम है तख्त तेरा तू वास्ते ने आदे तख्त न
अपना है बिछाया। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू समीन सिस्टर जी। खुदा मन तन बरकत दे, होर भी ज्यादा है इस्तेमाल करो। गॉड ब्लेस यू। हुण असीं नेक्स्ट वर्शिप सिस्टर सुनैना या वेद हुणां नाल मिलके करांगे। Hallelujah, praise the Lord. Tinu kari dao pyari na kade vi udagare. Chhad duniya da saath hath Yesu nu phada de. Chhad duniya da saath hath Yesu nu phada de. तेनु करी दाओ प्यारी ना कदे भी ओ दगा दे। छड़ दुनिया दा साथ हाथ यसुनु फड़ा दे। ओ है रूहा दी खुराक रुदे प्यासे आदा पानी। ओ दे बाजो ते तो जिंदे की गुजारी नहीं हो जानी। ओ है रूहा दी खुराक रुदे प्यासे आदा पानी। ओ दे बाजो ते तो जिंदगी गुजारी नहीं ओ जानी। ओ दे लहू वाले रंग विच खुद नू रंगाले। छड़ दुनिया दा साथ हाथ यसु नू फड़ा ले। तेनु करी दाओ प्यारी ना कदे भी ओ दगारी। छड़ दुनिया दा साथ हाथ यसुनु फड़ा ले। तेरे दुख दा साथी ते हनेरे आदि लोग। तेनु कोले ओ बुलावे ना तो दूरे ओ तो हो। तेरे दुख दा साथी ते हनेरे आदि लोग। तेनु कोले ओ बुलावे ना तो दूरे ओ तो हो। तेरे दुखा ते बीमारियां नू पल च मिटा दे। छड़ दुनिया दा साथ हाथ यसुरु फड़ा दे। तेनु करी दाओ प्यारी ना कदे भी ओ दगा दे। छड़ दुनिया दा साथ हाथ यसुरु फड़ा दे। हालेलुया। तेरे ओखे सोखे सारावाच खलो विगायो आ। तेरे चावा वाले बूटे पानी लावे गायो आ। तेरे ओखे सोखे रावाच लंगा विगायो आ। तेरे चावा वाले बूटे पानी लावे गायो आ। कड दिल वियो पाप योनु दिल च जगा दे। छड़ दुनिया दा साथ हाथ यसुरु फड़ा दे। तेनु करी दाओ प्यारी ना कदे भी ओ दगा दे। छड़ दुनिया दा साथ हाथ यसुरु फड़ा दे। मेरा कोई ना वजूद इक तू ही है सहारा। मैनू तेरे बिना यसु नहीं ओ कुछ भी प्यारा। हालेलुया। मेरा कोई ना वजूद इक तू ही है सहारा। मैनू तेरे बाजो यसु नहीं ओ कुछ भी प्यारा। अपनी महिमा दे गीत यसु मेरे को लिखा ले। छड़ दुनिया दा साथ हाथ यसुनु फड़ा ले। तेनु करी दाओ प्यारी ना कदे भी ओ दगा दे। छड़ दुनिया दा साथ हाथ यसुनु फड़ा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। खुदावन तुम बरकत देवे ते होर भी ज्यादा बहुत आदि नाल इस्तेमाल करो। बहुत ही प्यारा गीत सी। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। सारी वर्शिप लिए असीं खुदावन दा शुक्र करदे आं। ते खुदावन ता आप सब नूं सारयां नूं बरकत देवे।
God bless you all. मैं छोटी प्रेयर करूंगी कलाम तो पहला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. खुदा पिता परमेश्वर तेरा शुक्र कर दे यीशु जी, तेरी ही तारीफ कर दे खुदावन खुदा. आज दी वर्शिप ले मेरे प्यारे पिता, दिल दिया गहराई है तो खुदावन खुदा तेरा धनबाद कर दे खुदावन खुदा. और खुदावन खुदा, खुदावन खुदा सिस्टर शहीन रोज नू मेरे प्यारे पिता तेरी हजूरी च लैके आने खुदावन खुदा, सिर तो लेके पैरों तक खुदावन खुदा तेरे लहू च छपा देने खुदावन खुदा. तू आपकी बेटी नू खुदावन खुदा मसा कर यीशु जी खुदावन खुदा, तेरा पाक पवित्र खुदावन खुदा रूह उन्हां दे विच की हो गए खुदावन खुदा. तू साडे नाल गल कर मेरे प्यारे पिता, खुदावन खुदा जोड़ा भी अजीत बोझा जाए खुदावन खुदा साड़ी जिंदगी दे विच खुदावन खुदा, अज फल लेके आवे यीशु जी खुदावन खुदा. तेरे कलाम दे वसीला ना खुदावन खुदा साड़ी जिंदगियां तब्दील हो जाण मेरे प्यारे पिता खुदावन खुदा. तू साडे नाल गल कर खुदावन खुदा, साडे अंदर जो भी कमियां ने मेरे प्यारे प्यारे पिता, जो भी कमजोरियां ने खुदावन खुदा, तेरे खुदावन खुदा कलाम दे वसीला ना सारी कमियां कमजोरियां खुदावन खुदा धुल जाण मेरे प्यारे पिता खुदावन खुदा. तू सानू तब्दील कर खुदावन खुदा, अज तेरे कलाम दे वसीले खुदावन खुदा असि फिर तो ताजा हो जाइए खुदावन खुदा, असि नवे बन जाइए मेरे प्यारे पिता. तेरा मैं शुक्र कर दी हां खुदावन खुदा. और खुदावन खुदा सिस्टर शहीन रोज नु खुदावन खुदा ओदे गले नु भी मेरे प्यारे पिता खुदावन खुदा शू तू खुदावन खुदा. और खुदावन खुदा किसी तरह की कोई भी इनफेक्शन ना हो खुदावन खुदा, सारिया रुकावटा ही सुना असि तेरे नाम च खुदावन खुदा दूर हो खुदावन खुदा. तो आपकी बेटी नु खुदावन खुदा सरफराज कर, सर बुलंद कर मेरे प्यारे पिता. मैं तेरा शुक्र कर दी हां खुदावन खुदा. आपकी बेटी तू बहुत तायते दे नाल इस्तेमाल कर खुदावन खुदा. मैं तेरा शुक्र कर दी सुनासी तेरे अज कलाम दे वसीला ना खुदावन खुदा, सारी गंदगी खुदावन खुदा तू हो जावे मेरे प्यारे पिता खुदावन खुदा. तू खुदावन खुदा तेरी हजूरी इस जगह ते होवे मेरे प्यारे पिता. मैं तेरा शुक्र कर दी तू साडे विच है मेरे प्यारे पिता. मैं तेरा शुक्र कर दी यीशु जी खुदावन खुदा. अज कलाम खुदावन खुदा जेड़ा बीज बोया जावे साडी जिंदगी दे विच खुदावन खुदा, वह फल लैके आवे मेरे प्यारे पिता. तू सानू सारयां नू रूहानी फलां दे नाल खुदावन खुदा, रूहानी नेमता दे नाल खुदावन खुदा भर दे मेरे प्यारे पिता. तेरे यीशु नासी नाम दे विच खुदावन खुदा मंग लैंदे ते पा लैंदे आ आमीन. हुण मैं सिस्टर शहीन रोज उन्हां नू वेलकम करदी आ कि ओह अगे हुण टीम इस मीटिंग नू लीड करन. वेलकम सिस्टर जी. प्रेज द लॉर्ड जी. खुदावन आपको बरकत दे अंजना. खुदावन इसी तरह अपने नाम और अपने जलाल के लिए आपको कसरत से इस्तेमाल करता रहे. आपके मुंह से हमेशा खुदावन की स्ताइश जो है वो निकलती रही और आपके ऊपर खुदावन का साया जो है वो बना रहे. प्रेज गॉड. खुदावन का शुक्र हो. आज हम स्तिष्णा की किताब उसका 32 जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, है ना. 32 हमने थोड़ा सीखा था और आज जो स्तिष्णा की किताब लेवियों की जो है. और मेरे हल हमारे साथ वफा है और रविंदर है. रविंदर तो नहीं आई तो हम सिस्टर जी पंजाबी च मैरिड करोगे पहले कौन रीड करेगा? तुसी गल सिस्टर जी, तुसी गल. हां जी. एंड ओ वफा, हम ना ये चैप्टर काफी लंबा है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे. तो मेरा ख्याल 8 आयत जो है ना पहली, बस वो हम पढ़ेंगे क्योंकि और भी जो पढ़ना है वो थोड़ा ज्यादा है. तो हम सारी आयतों पे तो फिर भी नहीं बात कर सकेंगे, लेकिन जो मेरे एक दो जेन में है वो उन आयतों पे हम बात करेंगे. बाद के जो चैप्टर बाकी रह जाएगा उसमें भी, और आज का जो है ना, तो सिर्फ हम 8 आयतें आज पढ़ेंगे. ठीक है. स्तिष्णा की किताब का 32 बाब. कान लगाओ ऐ आसमानों और मैं बोलूंगा, और जमीन मेरे मुंह की बातें सुने. मेरी तालीम मी की तरह बरसेगी, मेरी तकरीर शबनम की माने टपकेगी. जैसे नरम घास पर फुहार पड़ती है पड़ती हो और सब्जियां सब्जी पर झड़ियां, क्योंकि मैं खुदावन के नाम का इश्तिहार दूंगा. तुम हमारे खुदा की तजीम करो, वही चट्टान है, उसकी सनत कामिल है, क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं. वो वफादार खुदा और बदी से मुबर्रा है, वो मुनसफ और बरहक है. ये लोग उसके साथ बुरी तरह से पेश आए,
ये उसके फर्जंद नहीं, ये उनका ऐब है, ये सब कजरों और टेढ़ी नस्ल हैं। क्या तुम ऐ बेवकूफ और कम अकल लोगों इस तरह खुदावंद को बदला दोगे? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको खरीदा है? उसी ने तुमको बनाया और क्याम बख्शा। कदीम आयाम को याद करो, नसल दर नसल के बरसों पर गौर करो। अपने बाप से पूछो, वो तुमको बताएगा। बुजुर्गों से सवाल करो, वो तुमसे बयान करेंगे। जब हक ताला ने कौमों को मिरास बांटी और बनी आदम को जुदा जुदा किया तो उसने कौमों की सरहदें बनी इसराइल के शुमार के मुताबिक ठहराई। आमीन। आमीन। ये जो आज जो हम मूसा का जो गीत है उसके बारे में थोड़ा सीखना है। तो ये पूरा जो चैप्टर है, ये 32 जो चैप्टर है, 32 चैप्टर, ये मूसा ने गीत ही लिखा था। जो पिछले हमने चैप्टर में 31 चैप्टर में देखा कि खुदावंद ने उसको जिस पे हमने थोड़ी सी बात की थी कि वहां पे कौन था, खुदावंद था, अबर की सूरत में यशवा था, मूसा था और दरवाजा था, लिखा हुआ है ना, कि जो 15 आयत थी 31 चैप्टर की। तो वहां पे हमने देखा था कि दरवाजा था खैमा इज्तिमा का, वहां पे ये बैठ के मूसा ने गीत लिखा था। तो ये गीत काफी लंबा है, तो इस पे हम थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे, है ना। तो ये जो गीत है, अगर इसको हम एक जैसे कह लें, इसका नतीजा कह लें या वो निकालें थोड़ा सा, तो इस गीत में जो खुदावंद है मूसा के जरिए बात कर रहा है, खुदावंद की वफादारी की, खुदावंद जो ताकतवर हमारा खुदा है, और खुदावंद की तारीफ के जैसे कह लें बोल जो है मूसा लिख रहा है, और जो बनी इसराइल है उसके बारे में हमें इस गीत में पता चलेगा जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे, कि उसकी जो कह लें बद किरदारी के बारे में बात हो रही है, बेईमानी के बारे में बात हो रही है, या खुदावंद के साथ वो कह लें बगावत करेंगे, उसके हुक्मों को तोड़ देंगे, छोड़ देंगे उसको, है ना। ये पूरे गीत में ये बातें हो रही हैं, है ना। और उसके नतीजे में क्या हुआ जब यानी बनी इसराइल ने खुदावंद को यानी छोड़ देगी और बद किरदारी करेगी, तो खुदावंद क्या करेगा? खुदावंद भी उनको सजा देगा, और जैसे कह लें तितर बितर कर देगा, और खुदावंद जो है फिर उनको दुरुस्त करेगा, वो तौबा करेंगे। तो तकरीबन ये सारा एक नतीजा जो है इस गीत के, या इस समरी कह लें, ये इस गीत में हमें मिलता है कि खुदावंद के बारे में बातचीत हो रही है, बनी इसराइल कौम के बारे में बातचीत हो रही है, और उन्होंने क्या क्या किया बनी इसराइल कौम ने, और खुदावंद ने उनके साथ क्या किया, है ना। तो ये थोड़ी सी इस पूरे गीत में बात हो रही है। लेकिन हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि मूसा ने सिर्फ यही गीत नहीं लिखा था, मूसा ने एक और भी गीत लिखा था, है ना। तो उस गीत को भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ज्यादा, क्योंकि आज वो पढ़ना था, इसलिए मैंने कहा कि ये वाला गीत जो है इसको हम थोड़ा सा बस टच करेंगे। तो अंजना आप निकालना खुरूज की किताब जो है, कूच की जो किताब है उसका 15 बाब, और वो हम पूरा ही पढ़ेंगे क्योंकि उसमें खुदावंद की बड़ाई हो रही है। और मुझे भी पढ़ रही थी जब मैं, तो मुझे बहुत कह ले अच्छा लगा। तो इसमें जो पहला गीत मूसा ने लिखा था, यानी मूसा ने दो गीत लिखे थे, एक जब बहरे कुलसम को पार किया था तो तब मूसा ने गीत लिखा था जिसमें खुदावंद की बड़ाई हो रही है, और दुश्मन जो थे, आप सबको ही पता है कि बहरे कुलसम में क्या हुआ था, है ना, वो दुश्मन जो है या रथ जो थे फरौन के, वो उसमें डूब गए थे, है ना। तो वो एक बड़ाई हो रही है, या कह लें
खुदावन की तारीफ हो रही है, खुदावन के नाम को ऊंचा किया जा रहा है, तो मैंने कहा कि ये भी हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आज थोड़ी सी हम ये सारा चैप्टर पढ़ेंगे। और ये क्या, ये मूसा का पहला गीत था, और ये मूसा अब दूसरा गीत जो है, ये 32 चैप्टर जो है उसमें लिख रहा है। और इसमें जैसे कह लें बनी इसराइल कौम के बारे में भी बात हो रही है, और खुदा उनकी तारीफ भी हो रही है। लेकिन जो पहला गीत लिखा था उसमें ज्यादा, मैं कहूंगी कि पूरा गीत ही तकरीबन खुदा उनकी बढ़ाई हो रही थी, खुदा उनकी तारीफ हो रही, खुदा उनके नाम को ऊंचा किया जा रहा था। तो इसलिए हम वो भी पढ़ते हैं। यानी आप, मैं कह रही हूँ कि आप सबको एक पता हो कि मूसा ने दो गीत लिखे थे, तो उस पर हम थोड़ी सी। यहोवा मेरा बल है, मेरा भजन है, वह मेरा छुटकारा होया है। वह मेरा परमेश्वर है, ते मैं उसकी शोभा करांगा। वह मेरे पिता का परमेश्वर है, ते मैं उसकी वड्याई करांगा। यहोवा योद्धा पुरुष है, यहोवा उसका नाम है। फिरौन दे रथ अति उसकी फौज उसने समुद्र विच सुट दी। उसने 94 अफसर लाल समुद्र विच गर्क हो गए। डूंगाई ने उन्हां नूं ढक लिया। वह पत्थर वांगू तह वल चल गए। हे यहोवा तेरा सज्जा हथ शक्ति विच तेजवान है। हे यहोवा तेरा सज्जा हथ वैरी नूं चकना चूर कर सुटदा है। तू अपनी वड्डी उत्तम ताई नाल अपने विरोधियां नूं ढाल लैंदा है। तू अपना क्रोध घलदा है जिहड़ा उन्हां नूं पठे वांगू पक लैंदा है। तेरिया नासां दी शुकर नाल पानी जमा हो गया, मौजां ढेर वांगू खलो गईयां, डूंघाईयां समुद्र दे विचकार जम गईयां। वैरी ने आख्या मैं पिछा करांगा, मैं जा लवांगा, मैं लुटदा माल वंडांगा, मैं उन्हां नाल मानाई करांगा, मैं अपनी तलवार सूतांगा अते मेरा हाथ उन्हां दा नाश करेगा। तैं अपनी हवा नाल फूक मारी, समुद्र ने उन्हां नूं ढक लिया, वह सिक्के वांगू महाजल विच डूब गए। कौन है तेरे वर्गा हे यहोवा देवत्या विच, कौन है तेरे वर्गा पवित्रताई विच, प्रताप वाला उस्तद विच पैदाइक आश्चर्य काम वाला। तू अपना सज्जा हाथ पसारिया ता धरती उन्हां नूं निगल गई। तू अपनी कृपा नाल उस प्रजा की अगवाई की जिन्हों तू छुटकारा दिता सी। तू अपने बल नाल उसनों अपनी पवित्र निवास दे राह पा दिता। लोगों ने सुनिया वह कंबदे हन, फलिस्तीन वासियां नूं चुंबक पई। तद अदोम दे सरदार घाबर गए, मुआब दे सूरमियां नूं कंबणी लागी, कनान दे सारे वासी ढल गए। होल अते तहकणा उन्हां उत्ते पैंदा है, तेरी बांह दे वड्डे होण दे कारण पत्थर वांगू चुप रह जांदे हन। हे यहोवा जद तक तेरी प्रजा लंघ ना जावे, जद तक उह प्रजा जिहड़ी तैं विहाई दे पा ना लंघ जावे, तू उन्हां नूं अंदर लियावेगा अते अपने मिलक दे पहाड़ विच लवेगा। हे यहोवा उस स्थान विच जेड़ा तू अपने रहन ले बनाया है, हे मेरे प्रभु वह पवित्र स्थान जेड़ा तेरे हत्था ने स्थिर किया है। यहोवा सदा तीक राज करता रहेगा। फिरौन दे घोड़े उसके रथ अते उसके घोड़ चढ़े तो समुद्र विच वड़े, अते यहोवा ने समुद्र दे पानी नूं ना उत्ते मोड़ लिया, पर इसराइली समुद्र दे विचकारों दी खुशकी उतों दी लंघ गए। हरून दी भैन मरियम नबियां ने अपने हाथ विच डफ ले, अते सारियां इस्त्रियां डफा बजाउंदियां नचदियां उसदे पिछे निकलियां। मरियम ने उन्हां नूं उत्तर दिता, यहोवा ले गाओ क्यों जो अत उच्चा होया है, घोड़ा अते उसदा असवार उसदे समुंदर विच सुट दिता है। बाजी अगली वर्स भी पढ़नी नहीं? चलो ठीक है, हाँ बस ठीक है जी। लेकिन देखें इसमें हमें कितना खुदावंद के बारे में पता चल रहा है कि हमारा खुदावंद क्या क्या उसने किया, क्या क्या वो कर सकता है ना, कि वो समुद्रों को क्या कह लें, उसने पानी को क्या एक दीवार की तरह खड़ा कर दिया, तोदे की तरह खड़ा कर दिया, और खुदावंद ने खुश्क जमीन से अपने लोगों को निकाल लिया है ना। खुदावंद ने अपने जो मुखालफ थे, जो दुश्मन थे, उनके साथ क्या क्या किया है ना। तो ये एक बड़ी मेरे दिल को बात जो है वो टच की कि हमारा खुदावंद जो है वो जैसे देखे तब कुदरत रखता था, ताकत रखता था, और दुश्मनों को कैसे उसने कहले समंदर की तह में गर्क कर दिया है ना, जो उसके लोगों का पीछा कर रहे थे। वो ही खुदा जो हमारा खुदा है ना, उसका नाम सुन के कौमें जो थी थर थर कांपती थी है ना। ये 15 आयत में जो लिखा है कि मुआब के पहलवानों को कपकपी लग गई है ना, उनके दिल जो थे पिघल गए।
तो बिल्कुल आज भी अगर हमारा खुदा हमारे साथ है तो कौमें जो हैं या ये दुश्मन की फौजें जो हैं वो कह लें डरती हैं, हमसे कांपती हैं, और वो हमारा खुदा जो है, जिंदा खुदा जो है, वो क्या करता है, उनको नीस तो नबूद कर देता है, खत्म कर देता है हमारी जिंदगी से। हमारे सामने जो भी ये दुश्मन की फौजें आती हैं, किसी भी तरह से आए, कोई बीमारी लेके आ रही है या जैसे देखे इनका पीछा किया था इसराइलियों का, तो हम सबको पता है कि हम भी इसराइली कौम है रूहानी तौर पे। तो अगर हमारा भी दुश्मन जो है इस तरह हमारे पीछे आता है, वो चाहता है कि हमें वो खत्म कर दे, हमें मिटा दे, हमें या खुदावन से दूर कर दे, तो हमारा खुदा जो यहोवा पाक खुदावंद है, जो साहिब जंग है, जो कह लें जोर और कुदरत और ताकत वाला खुदा है, जिसने समुन्द्र को दो हिस्से कर दिया और अपने लोगों को खुश्क जमीन से वहां से उसने निकाल लिया, गुजार लिया, और उसी, क्योंकि आप सबको शायद पता हो कि जो गैर कौमें हैं या जो साइंटिस्ट हैं या ये लोग क्या कहते हैं कि तब तो पानी जो था वो बहुत कह ले वो घुटनों तक था जिसमें से ये कौम निकल के आई थी। तो ये ऐसे ही झूठ है, फ्रेब है, ये कहानियां हैं, है ना। तो अगर देखें वो कह रहे हैं इस तरह, झूठ बोल रहे हैं, हमारे खुदा को छोटा कर रहे हैं, तो फिर भी हमारी बाइबल हमें, हमारा खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि वो अगर घुटनों तक ही पानी था तो उसमें जो दुश्मन की फौजें थी, जो फरम की फौजें थी, वो डूब गई थी, वो खत्म हो गई थी, उनमें से एक भी नहीं बचा था, है ना। तो अगर वो ये झूठे इल्जाम या जलें झूठा कह लें बातें हमारे खुदान पे या हम जो मसीही कौम है या यहूदी कौम है उसके ऊपर ये ताने या तंजिया ये करते हैं, तो तब भी वो झूठे पड़ते हैं कि उसी पानी में, अगर वो घुटनों तक पानी था या कमर तक कुछ कहते हैं जिसमें से इसराइली कौम बहरे कुलज़म उन्होंने पार किया था, तो तब भी हमारी बाइबल हमें बताती है कि उस पानी में वो डूब गए थे और खुदावन के लोग जो थे वो सही सलामत कह लें उस पानी में से निकल आए थे, उस समंदर में से बाहर निकल आए थे, और उनके लिए वो खुश्क जमीन जो थी वो बन गई थी, है ना। तो इसलिए ये गीत जो कह लें खुदावन के, खुदावन को ऊंचा करने के लिए ये गीत जो था मूसा ने तब लिखा था। और ये देखे हम देखते हैं कि मरियम जो हारून की बहन थी वो नाच के गा रही थी, और उस यानी सारे जो बनी इसराइल कौम है वो खुदावन के नाम को ऊंचा कर रही थी। तो इसलिए कुछ यानी कहा जाता है कि चर्चिस में जो कह लें नाचना या गाना या खुशी इस तरह मनाना या खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए जब हम कह लें डांस करते हैं तो ये गलत है, है ना। हम देखते हैं कि खुदावन के लोग, जब खुदावन हमारी जिंदगी में कुछ काम करता है या बड़े बड़े काम करता है, अजीब काम करता है, करामात करता है, तो हम खुद ब खुद ही ठहर ही नहीं सकते, हमारे पांव जमीन पे टिकते ही नहीं है। मैं सही बात है, मैं अपनी बात बताती हूँ, जब हम चर्च में गीत गा रहे होते हैं और खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए या खुदावन के वो जो लफ्ज जो बोले जाते हैं ना, उन लफ्जों में मुझे ऐसे फील होता है कि उन लफ्जों में ताकत होती है कि मेरे पांव जो है वो जमीन पे नहीं लगते, मैं खुद खुद ही या हमारे चर्च के जो लोग हैं वो ठहर ही नहीं सकते, हमारे पांव जो है वो खुद खुद ही उठना शुरू हो जाते हैं या डांस करना या ताली बजाना या जो अपने हाथ जो है आसमान की तरफ उठाना अपने खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए। देखे जिस तरह मरियम जो थी या बनी इसराइल कौम जो थी वो देखे कितनी खुश थी और कितने उनके मतलब अंदर एक खुशी भरी हुई थी कि वो खुदावन के नाम को ऊंचा कर रहे थे। तो इसलिए जब कभी भी आपके ऊपर भी ऐसा जैसे कह ले कोई शुक्रगुजारी है, कोई खुदावन ने मौजा किया है, तो उछलें कूदें यानी डांस करें खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए, है ना। तो जरूर ये हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, है ना, कि लोग मेरी तरफ देखें कि शायद मैं कोई बड़ी बड़ी खुदावन में मजबूत हूँ या खुदावन में, नहीं नहीं, हम खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए गीत देखे इसीलिए लिखा था
मूसा ने किसके नाम को जलाल देने के लिए, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, क्योंकि खुदावंद क्या था, फतेहमंद खुदा था, खुदावंद की जैसे कह ले सना गाने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। अगर हम भी अपने अपने चर्चेस में, या चर्चेस में नहीं भी, घर में मैंने अपनी अम्मी को देखा कि जब वो गीत गा रही होती थी, बेशक चारपाई पे बैठी होती थी, कई दफा चलते फिरते भी डांस करती थी, तो मैंने अपनी अम्मी को देखा कि वो उन्होंने हाथ में बुक पड़ी होती थी, पकड़ी होती थी गीतों की, और वो बेड पे ही क्या ले उछल उछल के डांस कर रही थी। और तो वो किसी को नहीं दिखा रही होती, कोई भी नहीं था होता मैं कहूंगी के कमरे में, वो अपने खुदावंद को कह ले ऊंचा कर रही होती थी कि मेरा खुदा फतेहमंद खुदा है, मेरा खुदा जो है जिंदा खुदा है, मेरा खुदा जो है वो अगर कहीं दुख है, मुसीबतें हैं, परेशानी है, तो मेरा खुदा मुझे निकाल सकता है, फतेह से बढ़कर जो गलबा है वो मुझे बख्श सकता है, वो मेरे दुश्मन को जो है वो चकनाचूर कर सकता है, उसकी सारे जो रथ हैं उनको तोड़ने की जो कुदरत है, वो ताकत है, मेरा खुदा रखता है, है ना। तो या आप सबको ही पता है, जैसे पालूस और सलास ने भी ये किया, बेशक बेड़ियां बंधी हुई थी, हाथ उनके बंधे हुए थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, खुदा उनके नाम को जलाल दे रहे थे। तो आज जहाँ कहीं हमारी भी जिंदगी में बेड़ियां बंधी हुई हैं, पांव बांधे हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं, कहीं भी आप खुदा उनकी तारीफ करना शुरू करते हैं, आप खुदा उनके लिए कुछ सारे गीतों में कई दफा नहीं होता, लेकिन आप वो वाले गीत या वो वाले जबूर मैं कहूंगी कि उस वक्त गाएं जब मुसीबत में है, कि खुदावन के नाम को ऊंचा कर रहे होते आप, है ना। और आपके अंदर एक जोश, एक जो खुदावन की मोहब्बत है वो भर जाती है, तो उस वक्त वो वाले जबूर या वो वाले गीत जो आपकी रूह को गर्मा देते हैं, जो आप में पाक रूह की आग को लगा देते हैं, ऐसे गीत जो है वो जरूर गाया करें। वो उससे क्या होगा, आपके अंदर कहीं पे भी अबलीस ने हमें बांधा हुआ है, हमें जकड़ा हुआ है कि हमसे दुआ नहीं हो रही, हमसे कह लें कि बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, हमसे गीत नहीं गाए जा रहे, और कहीं हम इतने कमजोर पड़ गए हैं कि आगे ऐसे जैसे कह लें बढ़ा नहीं जा रहा, या बीमार हैं, तो ऐसे ऐसे गीत गाएं जो हमारी रूह को जो कह लें हमारे दिलों में वो आग जो है वो लग जाए, है ना। तो जरूर मैं तो जब ऐसा कुछ होता है कह लें कि हमें मुझे फील होता है कि बड़ा बोझ है मेरे ऊपर, मेरे से कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, है ना, तो मैं ऐसे जो जबूर हैं वो कह लें गाती हूँ, जैसे कह लें कि वो कानवे जबूर है, है ना, 91 जबूर है, 23 जबूर है और जो 24 जबूर है, है ना, रब खुदावन बादशाह है, ऐसे ऐसे जो जबूर गाएं जिसके मतलब हमारे अंदर एक आग लग जाती है। मुझे तो खुद पता नहीं चलता कि मेरे जैसे कह लें एक ऐसा जोश आ जाता है, मस्सा जो है खुद ब खुद खुदावन का जो है मेरे ऊपर आके ठहर जाता है, मुझे खुद फील होता है कि मुझे नहीं पता चलता कि मैं अब जमीन पे हूँ कि आसमान पे हूँ, मुझे ऐसे फील होता है, जैसे जब ये वाले जबूर खास तौर पे जब मैं गाती हूँ, कानवे जबूर और 23 जो जबूर है, 23 जबूर, है ना, और ये जो 24 जबूर है तो इसलिए आप भी जरूर कहीं पे भी आप फील कर रहे हैं मैं जकड़ी हुई हूँ, जकड़ा हुआ हूँ, तो जबूर जो है इस तरह के गाएं या जो आपको गीत पसंद है, है ना। तो इसलिए मूसा ने भी देखे अपने खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए उसने गीत लिखा कि खुदावन ने कितने बड़े बड़े काम किए, और दुश्मनों में क्या था, खौफ और हरास जो था वो उस उनके ऊपर तारी हो गया। तो हम भी जब गीत गाते हैं या डांस करते हैं या ताली बजाते हैं या हाथों को उठा के खुदावन की तारीफ करते हैं, तो दुश्मन जो है उसके ऊपर खौफ तारी हो जाता है, दुश्मन जो है वो जैसे कह लें दांत पीसना शुरू हो जाता है, वो वहां पे ठहर नहीं सकता, उसको आग लगना शुरू हो जाती है उस वक्त, है ना, वो जलना शुरू हो जाता है, वो जैसे कह लें कि उसकी जो एक
जो उसका जोर है हमारी जिंदगी से वो टूट जाता है, जहां कहीं उसने हमें बेड़ियों से जकड़ा होता है वो बेड़ियां खुलना शुरू हो जाती हैं, वो जंजीरें जो हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, और इससे क्या होगा, हमारे खुदावंद को जलाल मिलेगा उस एरिए में, उस जगह जहां, जिस तरह पालूस और सलास जब कर रहे थे तो ना सिर्फ उनकी बेड़ियां खुली थी बल्कि बाकी भी जो जेल थी उनके दरवाजे जो थे कह लें खुल गए थे, ताले जो थे खुल गए थे, है ना। तो वो पूरा एरिया वो ना सिर्फ मसा हमारे ऊपर ठहरता है बल्कि जहां जिस घर में कह लें या हमारे इर्द गिर्द मैं कहूंगी कि जो हमारा मोहल्ला होता है वहां पे भी एक खुदावन का मसा जो है उस वक्त ठहर जाता है। क्योंकि क्या होता है उस वक्त खुदावन के जो फरिश्ते हैं जो उसकी हमदो सताइश हर वक्त करते रहते हैं वो हमारे चुगिर्द आके खड़े हो जाते हैं, है ना। तो फरिश्तों को मैं कहूंगी कि वो सिर्फ हमारे घर पे नहीं खड़े होते, वो पूरा जो एरिया है वहां पे आके खड़े है, क्योंकि वो एक दो नहीं आता, खुदावन का लश्कर जो है हमदो सना करने वाला वो पूरा उस एरिया में उस जगह पे उस घर पे और हमारे ऊपर आके ठहर जाता है। इसलिए ये गीत गाना खुदावन की हमदो सताइश करना ये खुदावन को बहुत पसंद है, महल आप सबको ही पता है ना। तो इसलिए खुदावन की हुजूरी में जब भी जाएं, जैसे मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि मैं तो कोई कैंटा को गीत गाने रोज नहीं, क्योंकि बच्चे के होती है थोड़ी क्लास की या थोड़ी इस तरह की, लेकिन मैं जब अपने बैठती हूँ दुआ के लिए तो कम से कम एक घंटा कई दफा डेढ़ घंटा भी लगा लेती हूँ। गीत और जबूर जितने भी मुझे आते हैं मैं कोशिश करती हूँ सारे ही गा लूं। तो मूसा का भी हमने देखा कि उसने गीत लिखा खुदावन की तारीफ में, खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए और दुश्मन को नीचा करने के लिए, दुश्मन को कह लें उसके ऊपर खौफ तारी करने के लिए मूसा ने वो गीत लिखा, जिससे क्या हुआ कि जो बनी इसराइल कौम है उसके ऊपर खुदावन की मोहब्बत, खुदावन का जो एक मसा था वो ठहर गया था और वो नाचना और गाना शुरू हो गए, है ना। तो हालेलुया, हमें भी जब ये हमारे ग्रुप में भी गीत गा रहे हों तो बड़े, वैसे तो शुक्र है खुदावन का सभी बड़े जोश से और कह लें खुदा उनके नाम को ऊंचा करने के लिए गा रहे होते हैं और खुदा उनका मसा हमारे ग्रुप पे ठहरा होता है। और जो गा रहे होते हैं आप देखें, आप कभी कभी महसूस करें कि ना सिर्फ उस वक्त आपके ऊपर मसा ठहरता है बल्कि आपके पूरे घर पे और पूरा जो एरिया होता है। सुरैया को याद है कि जब हम ढोलकी बजा के बाजा बजा के और क्या जो हारमोनियम, तो हमारे पूरे मोहल्ले को पता होता था क्योंकि हम सेन में बैठ के करते थे, हालांकि काफी कह लें मुसलमान भी थे उस गली में, लेकिन पूरे मोहल्ले को पता होता था कि जी उनके घर में दुआ हो रही है, क्योंकि हम कोई जैसे कह लें डरते नहीं थे या पता नहीं क्यों उस वक्त डर नहीं था, ताकि हालांकि मुसलमान वो हमारे पड़ोसी थे, लेकिन हम पूरे जोश से तालियां बजा के ऊंची कह लें गले खोल के गीत गाया करते थे। तो आप भी जब भी ऐसा हो तो पूरे जोश से भर के गीत जो है खुदावन की हुजूरी में गाया करें, क्योंकि खुदावन को जो प्रस्तिश है वो बहुत पसंद है। एक दफा हमारे पास्टर हैं, पास्टर नहीं प्रसाद, उन्होंने मैसेज एक दिया था, उन्होंने बताया कि कई दफा होता है हम दुआएं कर रहे होते हैं, हम रोजे रख रहे होते हैं, तो हमारे उतनी जल्दी जो है हमारी दुआएं या हमारी बेड़ियां नहीं खुलती, महीने लग जाते हैं, लेकिन जब आप गीत गा के प्रस्तिश करके खुदा उनकी हुजूरी में जाते हैं तो आपके जो क्या ले काम है या बंधन है वो चंद सेकंड में टूट जाते हैं, वो चंद मिनटों में आपके जो मसले हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां भाग जाती हैं, परेशानियां दुख तकलीफें भाग जाते हैं। तो कहते हैं कि ये एक ऐसा दरवाजा है जो हम प्रस्तिश करते हैं कि ये सारे जो बाकी के इब्लीस ने दरवाजे हमारी जिंदगी में आसमानी दरवाजे कह लें आसमानी बरकतों के नेमतों के बंद किए होते हैं, ये सिर्फ एक दरवाजा जो है वो उसके सारे दरवाजे जो उसने हमारी जिंदगी में बंद किए होते हैं खुदावन जो है वो खोल देता है, खुदावन के मसा के
जोर से वो टूट जाते हैं, वो ताले टूट जाते हैं, वो दरवाजे जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए गीत जो हैं, जबूर जो हैं, वो जरूर उसको पहला दर्जा मैं कहूंगी कि आप अपनी दुआया जिंदगी में जरूर दे हैं। और खुदा उनका शुक्र है कि हमारे ग्रुप में सारे ही गीत गाने वाले और प्रस्तुति करने वाले लोग हैं, तो मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ। हम देख रहे हैं कि ये तब लिखा था जो पहला गीत है मूसा ने जब बहर कुलजम को पार किया, और अब दूसरा गीत जो है वो जब उन्होंने यर्दन को पार करना है तो फिर खुदा ने उसको कहा गीत लिखने के लिए, है ना। और लेकिन ये गीत जो है ये थोड़ा सा जैसे कह लें इसमें ठीक है खुदा उनके नाम को भी जलाल मिल रहा है, लेकिन खुदावन ने इसमें सारी कह लें जो हाल था जो खुदावन ने बनी इसराइल कौम के साथ होना था एंड तक, जैसे कह लें कि दुनिया के आखिर तक जो भी कुछ होना था या जो बनी इसराइल कौम ने करना था खुदावन के साथ, वो सारा ही हाल इस गीत में कह लें समा गया है। खुदावन ने जो कुछ उनके साथ करना था, जो बनी इसराइल कौम ने करना था, वो एक गीत में एक खुदावन ने जैसे कह लें समो दिया है, प्रो दिया है मोतियों की तरह, है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि ये जो दूसरा गीत है ये भी जैसे कह लें खुदावन ने कहा कि ये नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करें, ये भी खुदावन ने कहा कि इसको इस गीत को कह लें जुबानी याद कराना है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि खुदावन ने कहा इसको हिफ्स कर लेना, इस जो गीत है जो मूसा के जरिए खुदावन ने लिखवाया था, है ना। तो इसलिए ये गीत हमें भी पता होना चाहिए क्योंकि इसमें सारा क्योंकि हम भी क्या है इसराइली कौम है रूहानी तौर पे, हमें भी पता होना चाहिए कि खुदावन जो है क्या बड़े बड़े काम जो है उसने किए थे, या हमारी जिंदगी में या बनी इसराइल कौम के साथ क्या क्या किया था खुदावन ने, और हम खुदा के साथ क्या करते हैं, क्या रवैया है। और अगर हम ये खुदा उनके हुक्मों को तोड़ते हैं या खुदा उनसे दूर चले जाते हैं, गैर मबूदों में चले जाते हैं, तो हमारे साथ क्या होगा, खुदावन जो है हमें क्या सजा देगा, या फिर खुदावन किस तरह हमें फिर से वापस जो है उस दुश्मन की कैद से छुड़ा के ले आएगा, है ना। तो इस एक गीत में ये सारा कुछ हमें मिलता है, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखने की कोशिश करें, है ना। जो पहली ही आयत है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कान लगाओ ऐ आसमानों और मैं बोलूंगा और जमीन मेरे मुंह की बातें सुने। ये आयत बड़ी ही कह लें मेरे दिल को टच की कि देखें खुदावंद ना सिर्फ इंसानों से बातचीत कर रहा है, मेरे और आपसे बातचीत नहीं कर रहा, खुदावन कह रहा है कि ऐ आसमानों, यानी खुदावन जो है यानी मूसा के जरिए आसमानों से भी बातें कर रहा है, जमीन से भी बातें कर रहा है कि जमीन मेरी मुंह की बातें सुने। जिस तरह हमने पीछे एक दो चैप्टर जब शायद आपको याद हो कि जब लानते और बरकते तो वो क्या किया था बनी इसराइल ने, क्या किया था लावियों ने, वो बोली थी लानते जो थी एक जैसे कह लें ग्रुप ने बोली थी, और जो बरकतें थी वो भी बोली गई थी इन हवाओं में इन फजाओं में, यानी कह लें आसमानों के साथ आसमानों ने भी वो आवाज जो थी सुनी थी, और जमीन ने इन हवाओं में इन फजाओं में वो जो लानते थी बोली गई थी, जो बरकतें थी वो बोली गई थी, है ना। तो इसी में भी हम यही एक जैसे कह लें खुदावन का जो पैटर्न है वो देख रहे हैं कि खुदावन ना सिर्फ इंसानों के साथ बातचीत करता है बल्कि वो जमीन के साथ भी बातें कर रहा है, वो जमीन और आसमान के साथ भी बातें कर रहा है। इसीलिए आपको शायद याद हो वो हवाला मेरा ख्याल है कि रोमियो में शायद, जिसमें लिखा हुआ है कि जमीन भी कहरा रही है दर्द से कि कब यानी उसको छुटकारा मिलेगा, कब खुदावंद यीशु आएगा और जमीन की जो नेचर है वो बदल जाएगी। क्योंकि जिस तरह हम दर्द में तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह जमीन भी आप सबको याद होगा कि जैसे जब
पहला जो कत्ल हुआ था, खून हुआ था जब कायन और हाबल का, तो खुदावन ने क्या कहा था कि जमीन जो है वो मुझे यानी वो रो रही है या वो मुझे बता रही है, उस पे खून उसका जब बहा था, आप सबको याद होगा ना, तो काहिन खुदावन ने कहा, हाँ जी मेरा ख्याल 4 चैप्टर है ना, जिसमें खुदा काहिन ने उसका खून, हाँ जी हाँ जी 4 चैप्टर लानती है, हाँ जी 10 to 11 verse, ओके हाँ जी पढ़ना पढ़ो पढ़ो हाँ जी हाँ जी हाँ जी पढ़ो हाबल भी सारी वर्स पढ़ना हाँ जी कुछ दिन मगर यह होया कि काइन जमीन के फल तो यहोवा दी भेंट लई कुछ लै आया हाबल भी इचड़ के पहलोटियां ते उन्हां दी चर्बी तो कुछ लै आया अते यहोवा ने हाबल नू उसकी भेंट नू पसंद कीता पर काइन ने उसकी भेंट नू पसंद ना कीता सो काइन बहुत क्रोधवान होया ते मुंह उतर गया ता यहोवा ने काइन नू आख्या तू क्यों क्रोधवान है तेरा मुंह क्यों नीवा हो गया है जे तू भला करे ओ उताहा ना कीता जावेगा जे तू भला ना करे ते पाप बूहे दी बूहे विच शह विच बैठा है वो तेनू लोचदा है पर तू उस उते परवल हो। फिर काइन ने अपने भरा हाबल नू कुछ कहा जद वह खेत विच सन तां इउं है कि काइन ने अपने भरा हाबल दे विरुद्ध उठ के उन्हों मार सुटिया ता यहोवा ने काइन नू आख्या तेरा भरा हाबल किते उसने आख्या मैं नहीं जानता भला मैं अपने भरा दा राखा हाँ फिर उसने आख्या तैं की कीता तेरे भरा दे लहू दी आवाज जमीन बलो मेरे अगे दुहाई दिंदी है हुण तू जमीन तो जिन्हें अपना मुंह तेरे भरा दे लहू नू तेरे हथों लैण लई खोले सरापी होया है आमीन हां जी हां जी तो जमीन क्या थी जमीन पुकार के या जमीन जो है खुदावन को कह रही है तो इसलिए ये जमीन जो है या आसमान जो है जब जो भी कुछ हवाओं में फिजाओं में बोला जाता है या जो भी कुछ हो रहा है जैसे ये खून हो रहे हैं जो भी हम जमीन के साथ करते हैं क्या कहते हैं जो बोते हैं हालांकि खुदावन ने हमें मना किया ये जो नस्ल कशी करते हैं ना आप सबको पता है कि खुदावन ने मेरा पहला जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने मना किया था कि दो किस्म के जो हम कहते हैं ना पौधे लगा लेते हैं या फूल या फल या ये दरख्त जो हैं तो खुदावन ने ये मना किया था कि दो किस्म की जो जैसे कहने फलों को होता है ना दो फलों को मिला के जैसे हम कह सकते हैं जो सेब है या ऑरेंज है उसको मिला के दोनों को एक नया फल बन जाता है तो खुदावन ने ये मना किया था या सब्जियों दो को मिला के वो एक नई सब्जी जो है बन जाती है तो खुदावन ने ये मना किया था इसलिए जो कुछ भी इस वक्त जमीन के साथ हो रहा है या जमीन से जो कुछ पैदा हो रहा है ये सब कुछ खुदावन ने करने के लिए नहीं कहा था तो इसलिए जमीन भी जो है वो कह लें कि दर्द में है तकलीफ में है वो आयत में मुझे याद अगर लेकिन किसी को मिले या पता हो तो वो निकालना कि जमीन भी जो दर्द से है कर्रा रही है जिस तरह हम जो इंसान हैं हमें जब बीमारियों में पड़ते हैं तकलीफों में आते हैं है ना परेशानी आती है तो हम क्या हैं दर्द होता है हमें बिल्कुल इसी तरह जमीन को भी दर्द होता है कह लें या मतलब वो भी तकलीफ में है क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है उस आयत में कि वो आहें कह लें भर रही है कर्रा रही है कि कब हमारा मसीहा जो है या कब खुदावंद आएगा और उसकी नेचर जो है वो बदल जाएगी वो अपनी असल जो ऐसे खुदा ने उसको बनाया था उस तरह से फिर से जैसे बागे अदन को जब बनाया गया था है ना तो जब जो कुछ जमीन पे बोया जाता था ये जो कुछ दरख्त थे जो भी कुछ खुदा ने बनाया था वो चाहती है कि पहली अपनी हालत में वापस आए है ना और ये तब होगा जब हमारा खुदा यीशु मसीह आएगा ना सिर्फ हम बदल जाएंगे जैसे हमने उसमें पढ़ते हैं क्या उसको बोलते हैं मैं थसनिकियों के खत में है ना कि हम बदल जाएंगे तो ना सिर्फ हम बदलेंगे जब 1000 साल बाद से शुरू होगी बल्कि जो जमीन है उसकी भी जो नेचर है वो बदल जाएगी वो अपनी पैदावार जो है वो पूरी पूरी देना शुरू हो जाएगी जो फल पौधे हैं जो दरख्त हैं जो भी कुछ जमीन में बोया जाता है
फसल का हासिल जो है वो पूरा पूरा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जमीन अपनी पुरानी जो है या असल जो उसकी है जिस तरह खुदा ने उसको बनाया था उस हालत में वापस आ जाएगी। और फिर एक जगह लिखा हुआ है, मेरे एक वर्स मिली ये तो नहीं मैं पढ़ के पढ़ा रोमिया के खत असि जानते हैं कि सारी सृष्टि रल के हुण तक होंके भरदी है ते उनू पीड़ा लगियां होईयां हन। हां जी मेरा हले ये हां आगे भी पढ़ना ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸਤਰਗੀ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਨ ਸਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ? ਅੰਬਾਜੀ 8 ਰੋਮੀਆ 8 ਉਹਦੀ ਵਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 22। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਸਕੋ ਉਰਦੂ ਮੇਂ। ਓਕੇ ਰੋਮੀਓ 8 ਬਾਪ ਉਸਕੀ ਕੌਨ ਸੀ ਵਰਸ ਹੈ? 22 کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائیں گی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کہراتی ہیں اور درد زہ میں پڑی تڑپتی ہیں، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کہراتے اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر کیسی امید؟ ہاں جی بس ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ہاں جی ہاں، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نہ صرف ہم کر آ رہے ہیں بلکہ یہ پوری مخلوقات جو ہے خداوند کی، جب جو خدا کے بیٹے ہیں جب وہ جلال میں داخل ہوں گے تو نہ صرف وہ بدل جائیں گے بلکہ یہ جو زمین ہے یا یہ اس کی ساری جو مخلوقات ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی۔ جب ہزار سالہ ہم بادشاہی میں داخل ہوں گے تو خداوند کے بیٹے جو ہیں ان کی بھی کہہ لیں نیچر یا وہ بدل جائیں گے، اور زمین کی بھی جو نیچر ہے وہ بدل جائے گی۔ وہ فصل یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی آیت ہم بولتے ہیں جو برکتوں کے لیے کہتے ہیں کہ فصل اپنا زمین اپنا حاصل دے گی، تو اصل میں یہ سب کہاں جا کے پورا ہوگا؟ ہزار سالہ بادشاہی میں پورا ہونا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں جو زمین کے بارے میں لکھی ہیں کہ جی وہ اپنا پورا جو فصل کا حاصل ہے وہ دے گی، پوری پیداوار ہوگی، جیسے اب جیسے کوئی کیڑا لگ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے نا، تو یہ تب نہیں ہوگا۔ تب جو ساری پھول پودے، اور بلکہ یسعیاہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو پھول ہیں وہ اور پتے جو ہیں وہ تالیاں بجائیں گے اور گیت گائیں گے یا حمد و ثنا کریں گے، اس طرح کے بارے میں ہزار سالہ بادشاہی میں، کیونکہ وہ خوش ہوں گے جس طرح ہم گیت گاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، اس طرح یہ زمین بھی خوش ہوگی اور کہہ لیں کہ تالیاں بجائے گی، گیت گائے گی، اور آسمان بھی، ہے نا۔ تو اس لیے یہ پہلی ہی آیت میں کہوں گی کہ یہاں پہ میری ایک جو ٹھہر گئی تھی کہ نہ صرف ہم بلکہ آسمان اور زمین جو ہے خداوند ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب ہم بولتے ہیں اگر جیسے برکتیں اپنے لیے مانگیں گے یا بولیں گے یا دوسروں کو دیں گے تو برکتیں ہی واپس ہمیں ملیں گی، لیکن اگر ہمارے منہ سے لانتیں نکلتی ہیں دوسروں کے لیے یا اپنے لیے بھی ہم نیگیٹو بولتے ہیں تو وہ ہی واپس آئیں گی ان کہہ لیں ہواؤں سے، ان فضاؤں سے، زمین سے، جو پیداوار ہوگی اس کی یا جو کچھ بھی زمین پہ ہوتا ہے وہ ویسا ہی لانتی ہو کے ہماری زندگی میں واپس آئے گا۔ لیکن اگر ہم برکتیں خود اپنے لیے بھی مانگیں گے دوسروں کے لیے بھی تو وہ جو کہہ لیں آسمانوں سے یا ہواؤں میں، فضاؤں میں یا زمین سے بھی وہ برکتیں واپس ہماری طرف آئیں گی۔ اس لیے بھی ہمیں کبھی اپنے منہ سے جیسے کہہ لیں کہ کوئی گندی باتیں یا نیگیٹو باتیں یا لانتے جو ہیں نہیں بولنی چاہیے۔ اور جس طرح یہ برکتیں ہم نے سیکھا تھا ہے نا کہ پچھلے ایک دو چیپٹر تھا، تو ان ہواؤں میں فضاؤں میں بولیں۔ تو اس لیے جو کچھ ہم بولتے ہیں
ये फजाओं में जैसे कह लें वो ठहरी होती हैं बातें, वो बरकतें जो हैं, वो लफ्ज जो हैं वो ठहरे हुए हैं, तो जब हम उनको कह लें कि बोलते हैं तो वो वापस हमारी तरफ आते हैं, क्योंकि इन हवाओं में, इन फजाओं में पहले से ही बरकतें बनी इसराइल कौम ने क्या थी, बोली हुई थी, तो जब हम बोलते हैं तो वो बरकतें हमारी तरफ आना शुरू हो जाती हैं, वो हमें घेर लेती हैं चारों तरफ से कह लें। और दूसरी आयत के मेरी तालीम मी की तरह बरसेगी, है ना, यानी आसमान से भी क्या होगा, खुदावन की जो तालीम है या खुदावन की जो ये कह लें तालीम है वो हमारी ऊपर, हमारे ऊपर बरसना शुरू हो जाएंगी। खुदावन यीशु मसीह के जैसे कह लें जो मुंह से बातें निकली हैं वो इन हवाओं में, इन फिजाओं में ठहरी हुई हैं, तो जब हम उस पे अमल करते हैं तो वो मी की तरह, वो बारिश की तरह हमारे ऊपर बरसना शुरू हो जाती है और हम जो हैं वो करने के काबिल होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये ना समझें कि शायद मैं छुप के कुछ बोल रहा हूँ, छुप के कुछ गुनाह कर रहा हूँ, करती हूँ, तो वो किसी को पता नहीं चल रहा है। ये कह लें दीवारों का भी, जैसे हम कहते हैं ना कुछ लोग क्या कह रहे हैं, मुहावरा है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो असल में ये मतलब है उसका कि इन हवाओं में, इन फजाओं में वो बरकतें, वो लानते ठहरी हुई हैं। अब ये हमारी मर्जी है कि हम क्या लेना चाहते हैं, अगर हम चुगलियां कर रहे हैं, अगर हम बुरा बोल रहे हैं तो वो ही वापस हमारे पास आएगा, क्योंकि खुदावन ने एक ये जो जमीन है इससे जो कुछ उगता है, अगर हमने अच्छा बोला है या अच्छा सोचते हैं या हमारी नीयत जैसे कह लें साफ है या दिल साफ है, तो वो जमीन जो है वो हमें फसल का हासिल, या जमीन जो है जो कुछ में भी इसमें बोया जाता है उसका असल जो है वो हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम दिल से बुरा सोचते हैं, हमारे दिल में बुराई है दूसरों के लिए, तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। तो ये जो बारिश है फिर ये हमारे ऊपर नहीं होगी, है ना। तो जो कुछ हम बोते हैं वो जैसे हम उसमें है, जो कुछ हम बोते हैं बीजते हैं वो ही हम काटेंगे, है ना। तो इसलिए एक एक लफ्ज का कह लें या एक एक नुक्ते का भी हिसाब रखें कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला तो नहीं, मैंने कुछ ऐसा सोचा तो नहीं कि कहीं मुझे उसका तो नहीं क्या कहते हैं अजर जो है मिल रहा है ना। तो इसका मतलब है कि अगर बुरा हो रहा है हमारी जिंदगी में तो कहीं ना कहीं मैंने या मेरे फैमिली ने, मेरे घर वालों ने कुछ ऐसा बोला है कि हमारी जो कह लें घर से गुर्बत नहीं जा रही, घर से बीमारी नहीं जा रही, कहीं हमने दूसरों के लिए बुरा तो नहीं किया हुआ या हमारे बड़ों ने कुछ ऐसा तो नहीं किया हुआ, है ना। तो इसलिए क्योंकि ये जमीन गवाह है, ये आसमान जो है गवाह है, जो कुछ हमने किया हुआ है या जो कुछ हमारे बाप दादा ने ऐसा कुछ बुरा किया हुआ है, तो इसलिए जरूर अगर नहीं भी किया आप लोगों ने कुछ और हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि हम उस सिचुएशन में से नहीं निकल रहे, बीमारी में से नहीं निकल रहे, गुर्बत में से नहीं निकल रहे, परेशानी में से नहीं निकल रहे, है ना, तो जरूर कह लें अपने कह लें गुनाहों की माफी मांगे, खुदा मेरे बोलने से सोचने से तो कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, या मेरे बाप दादा ने कुछ ऐसा किया है, तेरे खिलाफ बोला है, या हमने या हमारे बाप दादा ने गैर महबूदों के आगे वो घंटियां बजाई थी, वो उनकी तारीफें की थी, उनके आगे वो तपावन जो थे तपाए थे, तो क्या है ये हवाएं, ये फिजाएं, ये आसमान गवाह है, तो इसलिए वो हमारे ऊपर जैसे कह लें वो लानते जो हैं वो आ जाती हैं, है ना। तो अगर हमारे हमने या हमारे बाप दादा ने खुदावन की हमदो सना की है, खुदावन की तारीफें की हैं, खुदावन के आगे ये सर जो हैं झुके हैं, हमारे मुंह से जुबान से खुदावन की तारीफ निकली है, खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए लफ्ज निकले हैं, तो वो लफ्ज हमारा पीछा करेंगे, है ना। तो इसलिए कहीं पे भी हमने कुछ ऐसा किया है तो आज ही कह लें कि माफी मांगे, तौबा करें, ताकि खुदावन की जो है कसरत की जिंदगी, खुदा उनकी जो बरकतें हैं हमारी जिंदगी में फ्लो करें, है ना, ताकि हम भी
उन बनी इसराइल कौम की तरह वो जो बरकतें हैं जो जो खुदा ने वादा किया है कि वो जो जमीन है अपना हासिल जो है वो पूरा पूरा देगी और आसमान से जो वक्त पर मी जो है बरसेगा। इसलिए जहाँ कहीं भी मी नहीं बरस रहा वो उस खालस तालीम का या बरकतों का बंद है हमारे लिए, पीतल का आसमान हो गया है, जमीन जो है वो लोहे की बन गई है, हमारे जो पे है जो तनहा है उसमें बरकत नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि जमीन जो है हमारे लिए लोहे की बन गई है, आसमान से जो बारिश है वो नहीं आ रही, वो पीतल का बन गया है। तो इसलिए कहीं हमने कुछ ऐसा किया है या हमारे बाप दादा ने ऐसा किया है तो उन पीतल के आसमान को पिघलाने के लिए वो आग जो है आसमान से मांगे और जमीन को इस लोहे को पिघलाने के लिए तोड़ने के लिए वो आसमान से आग जो है सहून से आग मांगे, जिस तरह खुदावन ने बनी इसराइल को दुश्मन की फौजों से बचा लिया था, दुश्मन से कहले मुंह से निकाल के ले आया था, मिस्र जो है कहले उसका कब्जा था, वहां से खुदा निकाल के ले आया था, है ना। तो आज मुझे और आपको भी खुदावन जो है दुश्मन के जबड़ों में से निकाल के ले आने की पूरी कुदरत ताकत जो है वो रखता है। सिर्फ हम जो हैं खुदावन के लिए अपने आप को पेश करें और जरूर हमदो सना जो है वो आज जो मुझे मेरे ज्यादा दिल को टच किया वो यही था कि हम खुदावन की हमद और सना करें, गीत गाया करें, हर वक्त चलते फिरते। और कई दफा बहुत से लोगों ने तो आप ग्रुप में से गवाही दिया कि रात को खुदावन ने आपको गीत दिया, तो बिल्कुल इस तरह मेरे साथ भी होता है कि खुदावन जो है गीतों के जरिए भी बातचीत जो है करता है या कलाम करता है, है ना। तो हमें तसल्ली देता है और बताता है कि ये जो मुश्किल है ये परेशानी जो है खुदावन जिसपे इसमें से हमें निकाल रहा है। तो खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावन की नाम को हमारे जुबान से हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल जो है इस ग्रुप में से और हमारी जिंदगियों से मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू, बैक टू अंजना। और वैसे सिस्टर जी को दवंतन बैठ कर दे, सचमुच इस कलाम ने वसीले ना मुझे बड़ी तसल्ली मिली है, तुसी शुक्र करते हैं ते असी जो कुछ भी बोलिए असी जो मतलब खुदा वानु की है जलाल मिले कि साडे मुंह दे विच सिर्फ ब्लेसिंग सी निकल, साडे मुंह च कोई इदा दी गल ना निकले कि उस दे वसीला ना कि साडी जिंदगी दे विच शराब आ रही है। असी जो भी कोई गलती कीती है ते असी के सारे माफी मांगदे आ अपने परमेश्वर तो ते खुदा वानु सानु की है सदे सानु माफ करे ते सानू फिर तो की है साडा परमेश्वर सानू की ताजा करे नवा करे। बाकी बहुत ही प्यारा मैसेज सी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, और असी जेडी लास्ट दुआ सिस्टर सराफिन सिस्टर ने मिलके कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला, प्यार तेरे ऐसा रंगिया सब रंगों तो प्यारा। यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला, प्यार तेरे ऐसा रंगिया सब रंगों तो गहरा। कदूस मेहरबान जलाली खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं दिल की तागराइयों से। यहोवा यरी ए खुदावन तेरे कदमों में आने के लिए शुक्र गुजार हैं। ए खुदावन आज की सारी प्रेयर के लिए शुक्र गुजार हैं, अच्छे मैसेज के लिए शुक्र गुजार हैं, आपकी मौजूदगी के लिए शुक्र गुजार हैं, आपके तख्त के लिए शुक्र गुजार हैं। यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, जब हम तुझे ए खुदावन बुलाते हैं तो तू हमारे दरमियान मौजूद होता है। यहोवा यरी तेरी मौजूदगी के लिए शुक्र गुजार है यीशु जी। खुदावन ए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे बोलता है खुदावन यीशु जी। खुदावन तेरे शुक्र गुजार है खुदावन, मेरी हर सांस की शुक्र करे तो थोड़ा खुदावन।
तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज के अच्छे मैसेज के लिए, प्रस्तिश के लिए खुदावंद शुक्र गुजार है। ए खुदावंद यहोवा यरी, हमने खुदावंद अपनी जिंदगी में खुदावंद जो भी गलतियां खताएं ए खुदावंद हमसे अनजाने में और जानबूझ के भी की हैं, तो ए खुदावंद तू हमें माफ कर। Yes. माफ कर खुदावन, तू हमें माफ कर, यीशु तू हमें माफ कर, और है खुदावन तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर कि हम आगे बढ़े खुदावन, यीशु जी तेरे पाकीज़गी में बढ़े यहोवा यरी, है खुदावन हम घटते जाए और तू हम में बढ़ता जा यहोवा यरी। उसकी पूरी टीम के लिए शुक्रगुजार हैं ए खुदावन यीशु जी,
तेरा शुक्र करते हैं खुदा, वो जहां जहां भी गए तेरे नाम को जलाल दिया और उनकी वापसी पर भी है खुदा शुक्र गुजार हैं, हमारे दिल शुक्र गुजारी से भरे हुए हैं खुदावन यीशु जी। तो अपनी बच्ची को और अपने नाम और अपने जलाल के लिए बढ़ा और ऐ खुदावन उसकी जिंदगी से फकत तेरे ही नाम को जलाल मिले। ऐ खुदूस मेहरबान जलाली खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ अपने ग्रुप के तमाम बच्चों के लिए, ऐ खुदावन छोटे बड़े सारे बच्चों के लिए, ऐ खुदावन उनको नाम बनाम तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ, ऐ खुदावन तेरी पाक सलीब के नीचे लाती हूँ, ऐ खुदावन इनकी जिंदगियां तेरी हैं, ऐ खुदावन ये बच्चे जो तूने हमें दिए हैं खुदावन इनको तुझे दे देते हैं, तेरे हाथों में दे देते हैं, ऐ खुदावन तू इन्हें सवार इन्हें निखार अपने पाक रूह की, ऐ खुदावन इन्हें निखार और ऐ खुदावन यीशु जी इनकी जिंदगियों से तेरे नाम को ही जलाल मिले यहोवा जरीफ। कदूस मेहरबान जलाली खुदावन जिससे मिन्नत करती हूँ, ऐ खुदावन हमारे ग्रुप में ऐ खुदावन कोई भी ऐ खुदावन बीमार है, ऐ खुदावन किसी की भी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो उनके दिलों में है, ऐ खुदावन उन सबको ऐ खुदावन तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ, ऐ खुदावन हर एक की ऐ खुदावन जो भी है खुदावन तू उसे पूरा कर, ऐ खुदावन उसे ऐ खुदावन उसकी जरूरत के मुआफिक उसे मुहैया कर, क्योंकि तू मुहैया करने की कुदरत रखता है यहोवा जरी। ऐ खुदावन हम किसी के पास नहीं जाते बल्कि तेरे कदमों में झुक जाते हैं, हमारा जिंदा खुदा है जो सुनता है और जवाब देता है, जो देने की कुदरत रखता है वो यहोवा है। मेहरबान जलाली खुदावन अपने ग्रुप के तमाम मेंबर्स को ऐ खुदा नाम बनाम तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ, ऐ खुदावन सारी ऐ खुदावन जो भी ऐ खुदावन प्रॉब्लम्स है ऐ खुदावन सारे जुए यीशु के नाम से टूट जाए, ऐ खुदावन सारी नाम से टूट जाए ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन जो ऐ खुदावन हम सब चाहते हैं कि ऐ खुदावन तू हमें रहानी फलों से रहानी नेमतों से भर दे, ऐ खुदावन यीशु जी हम में मोहब्बत हो, ऐ खुदावन एक दूसरे की बर्दाश्त हो, ऐ खुदावन यीशु जी और ऐ खुदावन हम में ऐ खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब्र हो इत्मीनान हो तसल्ली हो, ऐ खुदावन यीशु जी ऐ खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ ऐ खुदावन अपने ग्रुप के तमाम मेंबर को, ऐ खुदावन हम सब को ऐ खुदावन तू पाक रूह के मसा से भर दे और ऐ खुदावन पाक रूह का बपतिस्मा से भर दे, ऐ खुदावन यीशु जी ऐ खुदावन तू ऐ खुदावन हमें सब को अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, जो बच्चे आवाजों के जरिए ऐ खुदावन आज हमने सीखा कि हमें गीत गाने हैं तेरे नाम को जलाल देने के लिए हमारी आवाजों से, ऐ खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले, ऐ खुदावन तू हमें पाक रूह का मसा से बल और ऐ खुदावन हमारी जिंदगियों से हमेशा तेरे नाम को जलाल मिले, और ऐ खुदावन हम गीत गाएं हम परस्तिश करें रूह और सच्चाई के साथ, ऐ खुदावन हम किसी को ना देखें बल्कि ऐ खुदावन हम उस कामल यीशु को देखें, ऐ खुदावन यीशु जी ऐ खुदावन जिसने हमारे लिए कम 40 फोड़े खाए, ऐ खुदावन यीशु जी ऐ खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ ऐ खुदावन हमें पाक रूह के मसा से भर और ऐ खुदावन यीशु जी हम सब मिलकर तेरे नाम को ही जलाल दें, ऐ खुदावन यीशु जी तुझसे मिन्नत करती हूँ हास कर ऐ खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ वफा के लिए, ऐ खुदावन तुझसे फरियाद करती हूँ ऐ खुदावन उसको तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ, ऐ खुदावन जो तेरे कदमों में आते हैं खुदावन कोई भी ऐ खुदावन उनकी जिंदगी में कमी है कमजोरी है वो यीशु के नाम से जाती रहती है खुदावन यीशु जी, हम सब मुत्तफिक होकर तुझसे मिन्नत करते हैं अपनी बेटी को ऐ खुदावन ब्लेस कर ऐ खुदावन ब्लेस कर ऐ खुदावन यीशु से वाले को प्रसाद दे यहोवा यीशु के नाम से खुदावन सारा बात बस यीशु के नाम से जाता रहे खुदावन यीशु जी, सारी रुकावटें यीशु के नाम से जाती रहे, सारे जुए यीशु के नाम से टूट जाए, जो भी है खुदावन कोई भी है खुदावन यीशु जी अब लेस के देखिए देखिए तमाम चालों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं खुदावन, तू हर काम के नाम से खुदावन हमारी जिंदगियों में जो भी है खुदावन हमारी जिंदगियों में बांझपन है खुदावन वो यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के कुदूस नाम से जाता रहे ऐ खुदावन हमारी जिंदगियां से राब हो तेरे नाम से तेरे जलाल से खुदावन यीशु जी
اے خداوند تو ہمیں بڑھا اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے. اے خداوند ہماری زندگیوں میں ساری کمیوں کمزوریوں گاٹے یسو کے نام سے پورے ہو. اے خداوند یسو جی, اے خداوند تو بھر اپنے پاک روح کے مسا سے بھر دے ہم سب کو. اے خداوند جو جہاں بھی بیٹھا ہے اے خداوند ان کے جگہ تیرے آرتی رج کو مانگتی ہوں, تیرے مہربان فرشتوں کو مانگتی ہوں. اے خداوند تیرے سرما فرشتوں کو مانگتی ہوں. اے خداوند ہواؤں پہ فضاؤں پہ برے کے خون کو مانگتی ہوں, گھروں پر برے کے خون کو مانگتی ہوں. اے خداوند ہمارے گروپ کو اے خداوند تو اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے بڑھا. اے خداوند ہم میں ایک ہی لگن ایک ہی تڑپ پیدا کر دے. اے خداوند یسوع جی ہم ایک روح میں بن جائیں اور اے خداوند ہم سب تیرے وفادار بنے. اے خداوند سب وفادار جلالی اور پوتر نام سے مانگتی اور پاتی ہوں. آمین آمین. ہمارے خداوند کا فضل, اس کی تسلی, اس کا اطمینان ہمیشہ تک ہوتا رہے جب تک کہ خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتا. آمین. گاڈ بلیس یو. آمین. جس کسی نے روٹی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور پانی رکھا ہوا ہے اس کو ایمان سے لیں اور اس کو پانی کو پیئیں, روٹی کو کھائیں. خدا جو ہے اپنے اس روٹی کے وسیلہ سے اور اس پانی کے وسیلہ سے جو کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے خون میں تبدیل ہو گیا, آپ کو شفا دینے کی, آپ کو جو بھی دکھ ہے مصیبت ہے تکلیف ہے اس میں سے نکالنے کی پوری پوری قوت اور طاقت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایمان سے اس میں شریک ہوں, اس کو اپنے لیں. اور میرا ایمان ہے کہ جیسے جیسے آپ اس پانی کو پئیں گے خداوند آپ کی زندگی میں آپ کے بدن میں جو روحانی شفا ہے اور جسمانی شفا بھی آتی جائے گی. تو گاڈ بلیس یو. اور خداوند نے جو آج مجھے دکھایا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں ہی ایک آبشار جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آ رہی ہے. اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہم سب ہیں اور ہمارے اندر سے ایسے میں نے دیکھا ہے جیسے جیسے کیا کہنا چاہیے, جو کالک ہے, جو ایسے کالا کالا پانی جیسا ہے نا, وہ نیچے گرتا جا رہا ہے, اوپر سے صاف پانی جو ہے ہمارے اوپر آتا جا رہا ہے. تو اس لیے میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آج ہمیں جہاں کہیں ہم ایسے کہیں پھنسے ہوئے تھے, کوئی گناہ تھا ہماری زندگی میں یا کچھ ایسے کام تھے ہمارے زندگی میں جو ہم کر رہے تھے, تو خداوند نے آج ہمیں پھر سے کہہ لیں پاک اور صاف کیا ہے. اور پھر میں نے ایک دیکھا ہے کہ خداوند نے جو دنی ہوتے اس کے ارد گرد کا ایک جو ایریا اس کو کیا کہتے ہیں, بہرحال وہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے اس میں ایسے لائک سرکل کی صورت میں خداوند کا جیسے کہہ لیں ایک لکوڈ جیسا اور خدا ان کی جو ایک وائٹ جیسی جو ایک روشنی جیسی ہے میں نے وہ دیکھی ہے. تو خدا نے کہیں کوئی ایسی پرابلم ہے یا کچھ جو پیٹ کی ہوتی ہے یا تو خدا نے اس کو شفا دی ہے. اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ جو ایریا ہوتا ہے یعنی ابڈامنل یعنی آگے سے جو پیچھے کی طرف جو پیچھے ایریا ہے جو کہہ لیں کمر کا کہہ لیں یا جو جیسے ریڑھ کی ہڈی تک, تو وہ دائرے کی صورت میں سرکل کی صورت میں میں نے دیکھا ہے کہ خدا ان کی جو ایک یلو روشنی جو ہے وہ ایسے دیکھا ہے کہ خدا ان نے ٹچ کیا ہے. تو خدا ان نے ہم میں سے کوئی ہے جس کو خدا نے ان دو جو ایریے ہیں اس میں خدا نے اس کو شفا دی ہے, خدا نے اس کو ٹچ کیا ہے. تو خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں. اور خدا ان آج کا جو پھل ہے وہ ہمیں دیا ہے, اس کا مسا جو ہے خدا ان نے ہمارے اوپر انڈیلا ہے, اس لیے میں خدا ان کا شکر کرتی ہوں. اور اگر کسی کو خدا ان نے
कोई कुछ दिखाया है या खुद खुदावंद उसके साथ कुछ बोला है तो वो जरूर शेयर करे उसके नाम को जलाल देने के लिए। जी प्रेज द लॉर्ड। बाजी जड़ा विजन तुसी देखिया मैं रिसीव करती क्योंकि मैं तो दसया सी कि माना कि मेरे तो नींद वाले दुआले जदा खारिश बहुत ज्यादा रहंदी है ना इन्फेक्शन आ ते मैं रिसीव करती हां। हां जी ते खुदावंद ने मेरी सुता शोल्डर तो नीचे है रीढ़ हड्डी बिलकुल मैं हाथ लगा के भी दस रही थी जो मैं मेरा पेट बहुत ही ज्यादा दर्द सी मैं कहना मैं बाजी ने कहा कि मेरे बहुत ज्यादा दर्द होंदा ना फिर मैं कहा नहीं कि मैं नहीं मैं दसना नहीं हूं ते मैं फिर हां जी ते क्योंकि हम जब असि मीटिंग दे विच आए गए हैं कि परमेश्वर जानदा कि ओदे बच्चे ने किस चीज दी जरूरत है ना ते शिफा तो असि के बच्चन सुनदे सुनदे चंगे हुंदे सचमुच ते मेरे हुण बहुत ही ज्यादा जड़ी के पेन और सारी मतलब एक तक ठीक ही हो गई बिल्कुल मैं सही हां जी अगर खुदावंद ने टच किया है या मतलब जी माया आज का वचन मेरे लिए था। प्रेज गॉड हालेलुया। माया मुझे खुदा उन पे पूरा भरोसा है जो भी जिसमें भी आप गुजरे हो ये पिछले दिनों जो भी तो मेरा ईमान है कि इसमें खुदावंद आपको कुछ सिखा रहा है और आप फतह से बढ़कर गलबा पाके शैतान को हरा के आप निकलोगे निकल गए हो। प्रेज गॉड आमीन। प्रेज गॉड गॉड ब्लेस यू। जी निदा मैंने बताना था कि ये जो आपने अभी बताया कि बैक से पीछे से पेन एब्डोमेन में ये जुमेरात वाले दिन शायद मुझे बुध वाले दिन एक रात में दर्द शुरू हुई 11 बजे और उसके बाद सारी रात इस कदर शदीद पेन थी कि मेरा जिस्म जो था वो ठंडा हो जाता था उससे लेकिन ना मैं कहीं गई ना कुछ और क्योंकि आपको पता है कि मैं फौरन भाग जाती होती हूँ हॉस्पिटल। इस दफा मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल अभी तो नहीं जाना अगर सुबह तक ये ठीक नहीं होती फिर हम जाएं मैंने मुझे कहा तो खैर सारी रात मैंने पेन में गुजारी है सारी और इस कदर शदीद पेन थी कि जैसे बर्दाश्त से बाहर हो तो मैंने कहा खुदावन मुझे शिफा दे दी है अब मैं ठीक हूँ फिर ये क्यों बार बार घड़ी घड़ी ये मुझे शुरू हो जाती मुझे समझ नहीं थी आ रही कि अभी तो मैंने खाना बनाया दानियल ने लाया सब कुछ घर का बड़े इजी से सारा काम किया और उसके बाद जब बैठी हूँ दुआ करके आई हूँ लेट गई हूँ उसके बाद एकदम कहीं ना कहीं मुझे ये दर्द शुरू हो गया और दर्द थी कि कहती थी कि शायद मतलब सांस लेना मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मुझे सांस फील हो रही है। मैं लेटी दुआ करती गई बाइबल वर्सेस पढ़ती गई दुआ करती गई जो मतलब मेरे मुझे वर्ड्स खुदावन के वादे याद आ रहे थे मैं करती गई। 1 बजे रहने से मुझे कहा ये एक पैनाडोल खा ले मैंने कहा अच्छा फिर मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं ये खाऊंगी तो मेरे सांस पहले ही मेरा रुक रहा है। क्या डेनिस ने मुझे दी मैंने खा ली लेकिन मैं दुआ करती रही दर्द ठीक ही नहीं हुई 4 बजे तक 3 बजे मैं उठी और 3 बजे अक्सर मैं उठ जाती हूँ किसी भी तरह से उठी लेकिन मैं उठी होती हूँ 3 बजे और फिर मैं दुआ करती 3 बज गए तो मैंने 3 बजे बैठ के दुआ की उसी दर्द में 4 बज गए 4 बजे के करीब मुझे नहीं पता चला मैं दुआ करते 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 सो गई 4 बजे मैं सोई हूँ दुआ करते करते और मुझे नहीं पता चला कि 8 कैसे बजे 8 बजे डेनिस ने मुझे उठाया कि उठ जा हॉस्पिटल चले मैंने कहा नहीं मैंने जस्ट ऐसे आंख खोली मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ ना मैंने कहा बेहतर है। उसके बाद फिर हल्की सी मुझे ऐसे मैंने कहा आपने मुझे क्यों उठा दिया मैं तो शायद दर्द ठीक हो गई थी जब मैं सोई हूँ ना तो मैंने कहा मैं दुआ कर ठीक हो गई है ना तो खैर मैं उसी दौरान फिर दोबारा सो गई और मैं 11 बजे उठी हूँ तो खुदावंद का शुक्र है कि वो दर्द बहुत लाइट सी ऐसे जैसे कोई चीज आपको जैसे चलते फिरते कोई चीज लग गई और उस तरह से आपको दर्द उस तरह से थी 11 बजे उठी हूँ मैंने पहले सबसे बैठ के दुआ किया उसके बाद वो आहिस्ता बसवा बाजी के साथ प्रेयर की वो भी दर्द खत्म होगी दोपहर तक मेरी सारी खुदावंद का शुक्र है। लेकिन उसके बाद फिर
दिन में ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरे ना लेफ्ट साइड पे ऐसे ही मतलब हल्की फुल्की बिल्कुल ऐसे जैसे कह लें के बना डराने के लिए वो दर्द आती थी, लेकिन मैं चलते फिरते दुआ करती रही, चलते फिरते दुआ करती रही, सुबह को उठ के दोपहर में शाम को वर्शिप कर करके मैंने दुआ की। मैंने कहा नहीं, और उस दिन मैंने फ्राइडे को फास्ट करना था, लेकिन मैंने सोचा अच्छा मुझे दर्द है मैं नहीं करती, फिर मैंने कहा नहीं इसके लिए ही मुझे फास्ट करना है और मुझे अपने लिए भी शिफा मांगनी है खुदा से इस दर्द के लिए कि ये ऐसे ही जाए, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। उससे पहले 3 दिन आपको पता है दानियल के साथ मतलब उसके पाँव में चोट थी, सांस की एलर्जी हुई, पर शुक्र है खुदावंत का कि उसको इस कदर अटैक था ये सांस का कि 2 घंटे हमने घर में गुजारे हैं और हमें ऐसे लगा जैसे 10-15 मिनट हमने गुजारे, और वो बच्चा बिल्कुल ठीक था दुआओं के जरिए। आपको पता आपने भी फौरन दुआ शुरू की, पापा ने डैडी ने सब मतलब हमने प्रेयर शुरू कर दी। तो मैंने उससे 5 मिनट के बाद पूछा दानियल आप ओके, उसने कहा मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं उसका पल्स चेक करूँ वो हाई, बीपी चेक करूँ वो हाई, लेकिन शुक्र खुदावन का वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। फिर डेनिस आए 11:30 हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने जाते ऑक्सीजन लगा दी, इंजेक्शन दिया, ड्रिप दी, साथ साथ हम दुआएं करते गए, सारे दुआ कर रहे थे, आधे घंटे में स्टेबल हुआ घर ले आए। 3 दिन मैंने इसको मेडिसिन दी, उसके बाद मुझे समझ ना आई कि डॉक्टर ने मेडिसिन कितने दिन की लिखी। मैंने बंद कर दी, मैंने बंद कर दी तो कभी कभी वो ऐसे ना सांस खींचता था कभी कभी। तो मैंने कहा 3 दिन से मैं इसको मेडिसिन दे रही हूँ, इंजेक्शन लग गया ये वो, मैंने उसको थोड़ा सा समझाया, मैंने कहा जीसस ने आपको ठीक कर दिया, मेडिसिन बंद करें, खुदावंद आपको शिफा देगा। मैंने 3 दिन का स्पेशल सिर्फ दानियल के लिए फास्ट किया और शुक्र है कि वो उसका जो सांस है बिल्कुल बहाल है, खुदावंद का शुक्र है। अब चाहे गर्मी हो चाहे मतलब लाइट ऑफ रही, एक रात हमारी पूरी ऐसे लाइट ऑफ रही और मैं उसको हवा करती रही बैठ के, तो मुझे बस दिल में मुझे कभी कभी ख्याल आता था कि ये तो पंखे के बगैर नहीं रहता, इसको तो नहीं इतनी गर्मी की आदत है अभी फिलहाल जो इसका, लेकिन फिर मैं दुआ करती थी, मैं कहती थी नहीं खुदावन तूने इसको शिफा दे दिए, तो खुदावन का शुक्र हो। तो ये दर्द के लिए मैं आपसे बता रही हूँ कि मतलब इन सारे इस पूरे हफ्ते में खुदावन ने ये सारा काम हमारे लिए किया, तो खुदावन का शुक्र हो। आपके इस मैसेज को भी मैंने खुदावन का पैगाम समझ के, खुदावन के कलाम समझ के कबूल किया कि वो जो दर्द थी मेरी सारी जो आगे से पीछे और पीछे से आगे नीचे अब्डोमेन में सारी, तो खुदावन का शुक्र है कि नहीं है मुझे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड से खुदावन आपको बरकत दे। प्रेज गॉड जी। वफा, मैंने भी ये कहना था कि लास्ट वीक ना मैंने आपको बताया था कि मेरे फाइब्रॉइड्स थे, लेकिन मैं प्रेयर करती रही थी ऐसे ही, तो फिर 2-3 months पहले मामू ने भी की थी, याद होगा आपको ना, तो मैंने कहा था मैं चेकअप कराऊंगी, तो आपने कहा था मामू ने कि नहीं कराना, खुदावंद ने शिफा दे दी है। तो भी लास्ट वीक ना मुझे पता नहीं लगा, मुझे ना फिर स्पॉटिंग हुई, सिर्फ एक दिन हुई, लेकिन उस दिन मैं ना बड़ी परेशान होगी, मैंने कहा खुदावंद आपने मुझे शिफा दे दी है तो फिर ये मुझे क्यों हुई है। तो फिर बस मेरे जहन में ही आ रहा था, मैंने कहा शायद मामा को ये प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा वो स्पिरिट कहीं अभी हमारी जान नहीं छोड़ रही है। तो मैंने खुदावंद को कहा कि खुदावंद ना तो मैंने पहले मतलब कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट इसका करवाया, तो मैंने कहा ना मैंने अब करवाना है ना मैंने कहा कभी आगे मैं करवाऊंगी, मैंने कहा लेकिन यह है कि आपके नाम से ही इसको, मैंने कहा जो ये स्पिरिट मामा में काम कर रही थी मामा किसी तरह वो उसको कैंसिल नहीं कर पाई, नहीं समझ पाई, लेकिन मैंने कहा अब जब हम आपके कलाम को समझ रहे हैं सीख रहे हैं, तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि ये स्पिरिट दोबारा हमारे उसमें ना आए, मेरे बॉडी में आइंदा ये मतलब ना आए, क्योंकि जब इस तरह मुझे स्टार्ट होती थी तो वो फिर डेली डेली होती थी, तो वो दिन तो उसके बाद ये के एक ही दिन हुई है, उसके बाद ये 3-4 days हो गया मतलब मुझे नहीं हुई, तो वो भी आपने मतलब, और मैं दिन दिन में सोच रही थी कि खुदावंद मुझे मैं से कलाम करो कि आपने मतलब मुझे शिफा दी है तो दोबारा तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो शुक्र है खुदावंद का कि आपने मतलब कहा कि खुदावंद ने कहा कि हम बहुत सारे लोग हील हुए हैं इस चीज से, बहुत सारे लोगों पे ये प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन मैं भी दिल में खुदावंद को कह रही थी कि ये मुझे आपने शिफा दी है तो ये मतलब दोबारा नहीं होना चाहिए, तो रिसीव किया खुदावंद के कलाम को। आमीन, प्रेज गॉड जी। निदा, हाँ जी, बस यही शेयर करना था कि दानियल को जब उन्होंने चेस्ट एक्सरे किया ना, तो मुझे फिर मामा की मतलब वो कंडीशन याद आई कि मामा का भी चेस्ट एक्सरे हुआ था, तो उसमें फिर जब मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है तो मुझे
जो मतलब वफा ने बताया ऐसे ही मैंने भी फिर मतलब खुदावन को कहा कि खुदावन अगर कोई ये फैमिली का भी मतलब हमारे पीछे से आ रहा है फैमिली के थ्रू जो भी है कर्स है या कोई बीमारी है या कुछ भी है तो ये खुदावन के नाम से जाता है, ये खुदावन का शुक्र है कि खुदावन दुआओं को सुनने में लगता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया जी, खुदावन ने आपको शफा दी है और खुदावन का खुदावन के ऊपर जो आपका ईमान है वह बढ़ा है, तो उसके लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। निदा आपको मैं ये तो शायद पहले भी बताया था, तो जब ये हमें एक दफा शफा मिल गई है तो बाद में अगर फिर से ये स्पिरिट कह लें आने की कोशिश करो तो आपने उनको डांटना है, उसको कहना कि नहीं मेरे खुदा ने मुझे शफा दे, क्योंकि वो बार बार आने की कोशिश करता है। अच्छा हाँ, तो लेकिन खुदा ने आपको शफा दे दी हुई है जी। आप फिर उसको लेने गए, आप कहें मैं ठीक हूँ, या जैसे मैं करती हूँ, मतलब मैं ऐसे करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मुझे खुदा ने शफा दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बोलती रहती हूँ, यानी कह लो कि जैसे लफ्जों में हम सीख रहे हैं कि ताकत है ना, तो जो कुछ हम बोलते हैं हमारे लिए होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लफ्ज क्या है वो कह लें खुदा यीशु मसीह है ना, तो जो कुछ हम बोलते हैं वो होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कई दफा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि यानी मैंने कहले अपने तजर्बे से सीखा है, तो इसलिए आपको भी खुदा ने शिफा दे दी है, अगर बाद में भी कभी ऐसा हो तो आपने शैतान को डांटना है, उसने उसको कहना है कि तेरा कोई इख्तियार नहीं है, मेरे यीशु ने मुझे मुकम्मल शिफा जो है दे दी है, मुझे आजाद कर दिया, बहाल कर दिया, ठीक है। तो हम खुदा उनका शुक्र करते हैं सारी कह लें गवाहियों के लिए कि खुदा उन्होंने टच किया है, आपको शफा दी है। तो ईमान से बस खुदा उन पे ईमान रखें, जो कुछ कई दफा हो रहा होता है, जैसे आप निदा फील कर रही हो कि कभी आ रही है कभी जा रही है वो दर्द, तो असल में ये दर्द नहीं है, ये वो स्पिरिट है जो आने की दोबारा कोशिश करती है और मतलब उसको फिर से कब्जा करने की कह लें कोशिश करती है, तो इसलिए उसको डांटना है, उसको कहना कि नहीं नहीं ये बदन अब तेरा नहीं है, ये मेरे यीशु का बदन है, वो इसमें रहता है। तो ये उसकी आपको पता है जैसे हमें कलाम बताता है कि वो दोबारा आने की कोशिश करता है जो ये स्पिरिट होती है ना, लेकिन खुदा उन जो है हमारा जिंदा खुदा हमें मुकम्मल शिफा देने की कुदरत रखता है। तो जी गॉड ब्लेस यू, अगर कोई और है अभी रह गया है तो कोई टेस्ट मनी दे सकता है, नहीं तो फिर हम इस मीटिंग को करते हैं। ओके जी, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।